बसमर रहीम कैसे हैं भैया आप लोग रटना नहीं है समझना है सि टेक्स बुक बोर्ड फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकेंड ईयर तो कम्प्लीट हो गई अलहमदल अल्लाह की रहमत से अल्लाह की तोफ़ी से कम्प्लीट बुक सेकेंड ईयर केमिस्ट्री हो चुकी आप फर्स्ट ईयर के कुछ चीज़ों को देख लेते हैं चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कम्प्लीट हो चुके थे सेवन की आखिरी प्रॉब्लम ये रह गई थी प्रॉब्लम नंबर फ़ोर ठीक है हाइड्रोजन और आयोडीन वाली इसको कर लेते हैं और चैप्टर नंबर एट भी स्टार्ट हो गया था इसके बाद वाला एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स उसके दो पार्ट हो चुके थे तीसरा पार्ट उसका करेंगे कॉपी पेंसिल ले लीजिए लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना अच्छा यहाँ पर ये पार्ट ट्वेंटी है ये बहुत देर से बन रहा है प्ले में आपको थोड़ा सा इस्क्रिंग करनी पड़ेगी आपको मिल जाएंगे ठीक है नहीं मिले तो कमेंट में बता दीजिएगा मैं बता दूँगा बहरहाल प्लेलिस्ट में ही पड़ा हुआ है क्योंकि देर से बन रहा है ये बहुत पार्ट इस वजह से बहरहाल आगे चलते हैं अभी तो ये जो है वो इसमें बोल क्या रहा है आपसे आपसे जो बोल रहा है इसके अंदर वो आपसे मोलरिटी मांग रहा है आप बोलेंगे कंसनट्रेशन बोल रहा है सर ये तो आप तो मोलरिटी का बोल रहे हैं नहीं ये आपसे मोलेरिटी मांग रहा है एक ही बात है कंसनट्रेशन कई चीज़ों के अंदर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसनट्रेशन का मतलब है मकदार तो मकदार जो है कंसंट्रेशन जो है कई चीज़ों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलरिटी भी उनमें से एक ही मेथड है तो यहाँ पर भी हम मोलरिटी में ही निकालते हैं अच्छा कंसनट्रेशन या मोलरिटी जो आपसे ये हाइड्रोजन की मांग रहा है आयोडीन की मांग रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड की मांग रहा है ये कौन से केस की मांग रहा है क्या इनिशियल जबकि अभी रिएक्शन शुरू हुआ ही नहीं है या फिर इक्विलिब्रियम ये इक्विलिब्रियम की मांग रहा है आपसे ये बुनियादी फर्क हमेशा जहन में रखिएगा कि अगर वो आपसे कंसंट्रेशन या मोलरिटी मांग रहा है तो वो इनिशियल की मांग रहा है जबकि अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ इसका मतलब प्रोडक्ट बनी ही नहीं या फिर वो आपसे इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन या मोलरिटी मांग रहा है तो इसमें जो आपसे वो बोल रहा है बोल रहा है भाई कि ये जो है आप इक्वली ब्रियम इस्टेब्लिश अब हो चुका है तो अब ज़रा कंसनट्रेशन बता दीजिए मोलरिटी बता दीजिए हाइड्रोजन की भी आयोडीन की भी हाइड्रोजन आयोडाइड की भी के की वैल्यू इसने फोर्टी नाइन आपको दे दी इनिशियल कंसनट्रेशन इसने आपको दी है वन पॉइंट टू मोल्स हाइड्रोजन वन पॉइंट टू जो है आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड तो खैर अभी बना ही नहीं है क्योंकि रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ अब यहाँ जो चीज़ समझने वाली है ना वो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है इसको ज़रा समझिएगा ये जो प्रोडक्ट बनती है ना ये असल में होती क्या है ये जो भी प्रोडक्ट बनती है यहाँ पे ये होती क्या है ये असल में रिएक्टेंट का ही हिस्सा होती है क्या कहा मैंने ये जो प्रोडक्ट यहाँ बनती है वो असल में रिएक्टेंट का ही हिस्सा होती है रिएक्टेंट में से कुछ कम होता है और जो कम होता है रिएक्टेंट में से वही जमा हो के प्रोडक्ट बन जाती है क्योंकि आपको पता है ये इिवर्सिबल ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्स हो जाता है तो ना तो कंप्लीट रिएक्टेंट खर्च होते हैं कम होते हैं और ना ही कंप्लीट प्रोडक्ट जो है वो बनती है आधे आधे का काम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में तो बहरआल रिएक्शन जब शुरू हुआ तब तो इनिशियल इब्तदा में ये मोलरिटी थी ये मोलेरिटी थी ये मोल थे ये मोल थे, थे प्रोडक्ट बनी हुई थी अब जब इन्होंने आपस में रिएक्शन शुरू किया ध्यान से सुनिएगा बात इन्होंने जब आपस में रिएक्शन शुरू किया तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि इन्होंने अपने में अपने अंदर से कुछ ना कुछ खर्च करना शुरू किया जब हम कहते हैं ना दो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब वो अपने अंदर से थोड़ा थोड़ा खर्च कर रही हैं निकाल रही हैं माइनस कर रही हैं तो एग्जैक्टली exactly ये जो आपको मोलरिटी नज़र आ रही है इसमें से कुछ कम हो रहा है कुछ मोलरिटी कम हो रही है कुछ कंसनट्रेशन कम हो रही है कुछ मॉल कम हो रहे हैं और एग्जैक्टली exactly ये दूसरा रिएक्टेंट जो है इसके अंदर से भी कुछ अमाउंट कम हो रहा है कुछ मॉल कम हो रहे हैं कुछ कंसनट्रेशन कम हो रही है और जो कुछ भी यहाँ से कम हो रहा है और यहाँ से कम हो रहा है वही जमा हो के ये प्रोडक्ट बना देगा जो कुछ भी इन दोनों में से कम हो रहा है वही जमा हो के ये प्रोडक्ट बना देगा अब कितना खर्च हो रहा है हमें नहीं पता इसमें से कितना कम हो रहा है हमें नहीं पता इसमें से कितना कम हो रहा है हमें नहीं पता मैंने कहा मैथमेटिक्स से तो जो इसमें से कम हो रहा है हमने उसको एक्स के लिया और जो इसमें से कम हो रहा है हमने उसको एक्स कह लिया और मैंने बताया था आपको कि जो भी इसमें से कम होगा उसी को हम जमा करेंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगी तो ये x कम हो गया है इसमें भी x कम हो गया है इसको जमा किया तो ये 2x जो है ये प्रोडक्ट बन गई ठीक है अब अगला सवाल अब इसमें से बचा क्या है इसमें से क्या बचा है तो जो खर्च हो चुका है जो कम हो चुका है वो इसमें से अगर हम माइनस करें तो पता लग जाएगा कॉमन सेंस की बात है क्या सवाल है मेरा सवाल मत भूलिएगा मैंने कहा कि अब इसमें से बचा क्या है इसमें से ये तो खर्च हो गया इसमें से ये तो खर्च हो गया जो खर्च हुआ वो मिल उसने ये प्रोडक्ट इतनी बना ली अब इसमें से बचा क्या है तो ये जानने के लिए आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तो ठीक है तो इक्वली की पोजीशन आपसे पूछ रहे हैं तो इक्वली पे अगर आप जानना चाहते हैं कि हाइड्रोजन कितनी बच गई तो हाइड्रोजन जितनी शुरू में थी और जितनी कम हुई थी उसको उसमें से माइनस कर दें तो ये शुरू वाली शुरुआत वाली हाइड्रोजन थी ये इसमें से कम हो गई थी तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग मोल मोलरिटी हाइड्रोजन की मिल जाएगी इसी तरह आयोडीन को अगर देखें तो स्टार्ट इनिशियल इतना था इतना जो है वो खर्च हो गया था तो स्टार्टिंग वाले में से जो खर्च किया गया है उसको आप माइनस करेंगे तो आपको रिमेनिंग बचा हुआ पता चल जाएगा यहाँ हाइड्रोजन आयोडाइड का तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ये तो हमारे पास प्रोडक्ट तो उतनी रहेगी ठीक है और यही हमारा टारगेट है इसी को हम जानना चाहते हैं उसी ने इसी का पूछा है इक्िब्रियम पे, क्या हालात ठीक है अब यहाँ पर दूसरी मैथमेटिक्स आ जाती है। के का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो आपको पता है यहाँ प्रोडक्ट आ जाता है यहाँ रिएक्टेंट आ जाते हैं ये वाली बात आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ आपके पास सेवेंटी रुपीज़ से शुरू में आपके दोस्त के पास भी सेवेंटी रुपीज़ से शुरू में आपने जो है वो बीस रुपये किसी को दे दिए आपके दोस्त ने भी बीस रुपये किसी को दे दिए अब आपके पास कितने पैसे बचे सेवेंटी में से ट्वेंटी माइनस कर दें फिफ्टी रुपीज़ बचे आपके दोस्त के पास कितने बचे सेवेंटी में से ट्वेंटी माइनस कर दें फिफ्टी रुपीज़ बचे तो बड़ी आसान सी मैथमेटिक्स है यहाँ पर भी यही हुआ है स्टार्टिंग स्टार्टिंग ये था इतना इतना खर्च हो गया था अब बचा कितना है ये जानना है तो इसको इसमें से माइनस कर दें आपको पता चल जाए अच्छा बर अब ये आ गई के की हमारे पास इक्वेशन प्रॉब्लम तो सॉरी ये फॉर्मूला इसको हम यूज़ करेंगे के की वैल्यू तो उसने हमें दे ही दी है याद रखिए के सी की वैल्यू आपको जब ही मिलती है जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो चुका होता है तो ये के सी की वैल्यू आपके पास 49 नाइन मौजूद है यहाँ पर क्या आता है यहाँ पर प्रोडक्ट आती है प्रोडक्ट आपके पास क्या है हाइड्रोजन आयोडाइड और इक्वेशन में जो ये कोफ़िशेंट होता है यही पावर की शक्ल में आ जाता है तो हमने ये लिख दिया ये नीचे वाले रिएक्टेंट होते हैं रिएक्टेंट पे क्या है हाइड्रोजन और आयोडीन ये आ गए इनके ऊपर कोई पावर हमने नहीं लगाई क्यों नहीं लगाई इसलिए नहीं लगाई भाई क्योंकि यहाँ पर कोई कॉफिशेंट है ही नहीं इन दोनों के बराबर में इन दोनों से पहले समझ में आ रही बात आप अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड क्योंकि उसने इक्विलिब्रियम का बोला है तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास ये मौजूद है 2x हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलरिटी ये लिख दी हमने ऊपर पावर लगा दी नीचे हाइड्रोजन के लिए इक्विलिब्रियम पे जो पोजीशन है 1.2 पॉइंट माइनस एक्स इसको लिया आयोडीन के लिए जो पोजीशन है 1.2 पॉइंट माइनस एक्स इसको लिया अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आती है कि टू टू जे तो फोर हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये वन पॉइंट माइनस एक्स और 1.2 पॉइंट माइनस एक्स ये मैंने ये देखे ये मैथमेटिक्स की दुनिया की ए बी सी डी वाला फार्मूला है बच्चों बच्चों को याद होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर तो ए माइनस बी होल स्क्वायर जो है वो आपको ये तो पता है कि वो ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस बी स्क्वायर के बराबर है ठीक है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यही ए माइनस बी होल स्क्वायर इसके भी बराबर है जी इसके भी बराबर है ए माइनस बी ए माइनस बी और आपको पता है मैथेमेटिक्स में जब हम ये देखते हैं कि ये शक्ल देखें आप ए माइनस भी यहाँ पर देखें वन पॉइंट टू माइनस एक्स ए माइनस भी दूसरे ब्रैकेट में देखें यहाँ पर वन पॉइंट टू माइनस एक्स दूसरे ब्रैकेट में आ गया तो जब ये शक्ल फार्मूले की फार्मूले की ये वाली साइड जो है आपकी इस शक्ल से बिल्कुल मैच कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह पर जब इसको रख सकते हैं ना ए माइनस भी होल स्क्वायर को तो इसी तरह इसकी जगह पर हम जो है इसको भी रख सकते हैं 1.2 पॉइंट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर समझ में आ गई कोई बात 1.2 पॉइंट टू माइनस एक्स होल स्क्वायर और जब आप इस फार्मूले को खोलेंगे अब ये फार्मूला बन गया ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला अब आप इसको खोलेंगे किस तरह इस तरह से खोलेंगे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर आप इसको इस तरह से खोलेंगे स्पेस बनाऊं थोड़ा सा बिल और जब आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 1.44 पॉइंट माइनस टू पॉइंट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये मत भूलिएगा कि ये सब किसके बराबर है के सी के ये यहाँ से शुरू हुआ है ये इक्वल का निशान साथ साथ चल रहा है अब के सी की वैल्यू जो है मैं आगे अब मिटाऊँ इसको ज़रा जगह बनाऊँ के सी अब इसको दोबारा लिख लेता हूँ फोर एक्स स्क्वायर वन पॉइंट फोर फोर माइनस टू पॉइंट फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इस पूरी की पूरी को उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा इसके साथ के सी के साथ तो के सी की वैल्यू फोर्टी नाइन है पहले इसको भी लिख लेता हूँ अब वन पॉइंट फोर फोर माइनस टू पॉइंट फोर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर ठीक है भाई अब 49 को बारी बारी जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास जवाब आएगा 70.56, 70.56 माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स एक्स प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर इज वल टू फोर एक्स स्क्वायर सेवेंटी पॉइंट फिफ्टी सिक्स माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स एक्स प्लस फोर्टी नाइन नाइन एक्स स्क्वायर फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर इज टू फोर एक्स स्क्वायर अब ये फोर एक्स स्क्वायर को मैं यहाँ ले आऊँगा ये माइनस हो जाएगा 49 से तो यहाँ पर हो जाएगा 70.56 पॉइंट फिफ्टी सिक्स माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स एक्स प्लस फोर्टी फाइव एक्स स्क्वायर इज एक टू जीरो अगर आप ये शक्ल देखें तो ये एक्जैक्टली exactly बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है क्या बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो ये बन जाती है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्योंकि आपको पता है शुरू में जो आती है सबसे पहले पावर वाली शक्ल आती है तो इसको ये पावर वाली स्क्वायर वाली शक्ल पहले आ जाएगी माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स एक्स ये इसके बाद आ जाएगा आखिर में कांस्टेंट आ जाएगा सेवेंटी पॉइंट फिफ्टी सिक्स इज़ इक्वल टू जीरो यहाँ पर हम जो है वो इक्वेशन लगाएंगे फिर इक्वेशन एक्स बराबर है माइनस बी प्लस माइनस और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और टू ए टू ए ठीक है वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर पहली ये ए के बराबर हो गया ए बी सी ये ए हो गया हमारे पास ए जो है बल्कि ये कांस्टेंट जो है ये हमारे पास ये वाला 117 ए बी सी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही है अच्छा तो ये हो जाएगा माइनस और उसके बाद माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स प्लस माइनस माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स प्लस माइनस विद इन ब्रैकेट जो है अब हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस वन वन सेवन पॉइंट सिक्स होल स्क्वायर माइनस फोर फोर्टी फाइव सेवेंटी पॉइंट फिफ्टी सिक्स ठीक है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो यूज़ करनी आती है ना मैंने कहा था थोड़ी सी मैथमेटिक्स तो आपको आनी पड़ेगी तो ये हो गया हमारे पास इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो आखिर में दो वैल्यूज़ आएंगी इसको सॉल्व करने की तो ज़रूरत नहीं है ना आखिर में आपके पास जो है वो दो वैल्यूज़ आएंगी एक आएगी वन पॉइंट सिक्स एट और दूसरी एक्स की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी ज़ीरो पॉइंट नाइन सिक्स ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री ये ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री जो है इस वैल्यू को हम लेंगे और इस वैल्यू को हम नेगलेक्ट कर देंगे इस वैल्यू को हम यूज़ नहीं करेंगे ठीक है भाई इस वैल्यू को हम यूज़ नहीं करेंगे वजह इसकी क्या है क्योंकि जब आप इस वैल्यू को यूज़ करते हैं तो आपके पास आंसर नेगेटिव आता है मोलरिटी कंसनट्रेशन नेगेटिव नहीं होती ये लॉजिकल बात है ठीक है तो ये वाली वैल्यू आपको सूट करती है आप इसको जो है वो यूज़ करेंगे अब आपको याद है हाइड्रोजन को अगर हमें फ़ाइंड आउट करना हो या आयोडीन की कंसनट्रेशन को फ़ाइंड आउट करना हो या हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन को फाइंड आउट करना हो तो वहाँ पर हमारे पास इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई थी इक्वलीविरम पर याद है आपको वन पॉइंट टू माइनस एक्स था तो ये आ गया वन पॉइंट टू माइनस एक्स एक्स की वैल्यू सिर्फ आपको पता नहीं थी आयोडीन का भी यही हाल है वन पॉइंट टू माइनस एक्स इज इक्वल टू और ये टू एक्स था हाइड्रोजन आयोडाइड याद है इक्वेशन जो बनाई थी चेक करें उसका एट इक्विरम वाला स्टेप जो था ठीक है भाई तो अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स की वैल्यू ये वाली हम लेंगे ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री यहाँ पर भी ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री और इस एक्स की जगह पर भी ज़ीरो पॉइंट नाइन थ्री थ्री हम लेंगे तो उसके पास ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन ये भी ज़ीरो पॉइंट टू सिक्स सेवन और ये जो हमारे पास आएगा वन पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो यही उसने आपसे पूछा था कि भाई बता दीजिए कि कंसनट्रेशन जो है वो क्या होगी मोलेरिटी क्या होगी इक्वली पे ये हमने फाइंड आउट कर लिया ठीक है भाई ये हो गया चैप्टर नंबर सेवन अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये तीन पार्ट्स हैं प्रॉब्लम के पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री यानी कि नाइनटीन पार्ट जो है और 18 पार्ट जो है ये तीनों प्रॉब्लम्स का है चार प्रॉब्लम्स है ना चैप्टर के लास्ट में आपने देखी होंगी बुक में कहीं रख के भूल गया नहीं तो मैं भी आपको पेज नंबर भी उसका बता देता अब चल अब जो करेंगे हम वो करेंगे तीसरा पार्ट चैप्टर नंबर एट का ठीक है भाई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नो लाइक नो सब्सक्राइब ऑनली शेयर